हेलो बच्चों, मैं स्वयं संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 12th NCERT मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.10 के लेके आए हैं। इसमें क्या है, अदर एक्सरसाइज से डिफरेंस क्या है, तो यहाँ लिखा देखिए, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में बताएंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट है 0 to π/2 cos square x dx। तो हम पहले ऑर्डिनरी वे में cos square x को 1 + cos 2x/2 से कन्वर्ट करके कर देते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज का सहारा लेंगे तो देख कैसे होगा। तो इसमें देखिए, x के प्लेस पे π/2 आ जाएगा, π/2 - x, तो i = 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 - x dx। तो एक प्रॉपर्टी है, देखिए, अगर लिमिट में 0 to a कोई भी फंक्शन है तो x के प्लेस पे हम कहीं भी, बस कंडीशन है लिमिट 0 to a होना चाहिए। तो देखिए, x के प्लेस पे आ जाएगा a - x, ये है, तो रख दिया। अब cos 90 - थीटा जो होता है sin थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए, तो LHS में LHS प्लस होगा, तो i + i 2i हो गए। RHS में देखिए, ये ऐड हो जाएगा इसमें RHS में। अब दोनों में जो कॉमन आएगा वो 0 to π/2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ फर्स्ट में था cos स्क्वायर x, सेकंड में साइन स्क्वायर x dx। अब ये होता है cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है, बन होती है इसकी। तो ये आ गया बन, और ये 1/2 डिवाइड में ले जा रहे हैं 0 to π/2 1 dx। देखिए, अब हम लिमिट इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा i = 1/2 π/2 - 0, तो आंसर आ गया π/4। तो यही हमारा आंसर आ गया। देखिए, प्रॉपर्टीज थी ये। क्वेश्चन टू देखिए, तो देखो, बिना अब इस वाले क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज के तो सॉल्व आप कर ही नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी आपको, बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज की सहायता से देख कैसे, कितनी जल्दी हो जाएगा। गिवन फंक्शन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, अब फिर 0 to a, अभी हमने जो प्रॉपर्टी शो की थी वही प्रॉपर्टी दोबारा लगा रहे हैं, 0 से π/2, x के प्लेस पे π/2 - x लिख देंगे, तो साइन π/2 - x डिवाइड में साइन π/2 - x प्लस कॉस π/2 - x। देखिए, जहाँ x है वहाँ π/2 रख दिया हमने। अब साइन पर देखो, यहाँ 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन कॉस में का नंबर चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में हो जाएगा। देखिए, तो ये बन जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस के प्लेस पे साइन, साइन के प्लेस पे कॉस,
डी एक्स, वही फिर ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो एल एच एस से एल एच एस ऐड हो जाएगा, आई 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 ऐड हो जाएगा दोनों, तो टू आई हो गए, और आर एच एस में जीरो टू पाई बाई टू और डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जीरो टू पाई बाई टू कॉमन लिया हमने, और डी एक्स यहाँ क्या है, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, सेकंड में है रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, भाई प्लस में कोई भी पहले लिख दो इससे अंतर नहीं आता, साइन पहले लिख दीजिए या कॉस पहले लिख दीजिए, डी एक्स। अब आप देखिए, तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, तो टू आई इक्वल टू यहाँ बन जाएगा, देखो जीरो टू पाई बाई टू लिखा ही है। अब जब एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम में दोनों डिनोमीटर सेम है, दोनों के डिनोमीटर सेम है, देखिए एक बार आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो ऊपर भी आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गए, तो टू आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू डी एक्स आ गया, यहाँ वन ले लेंगे तो आई इक्वल टू वन बाई टू पहुँच जाएगा, और वन का इंटीग्रल एक्स लिमिट आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू। देखिए अब इसमें रखेंगे हम तो वन बाई टू एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स के प्लेस पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू माइनस जीरो, तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आएगी पाई बाई फोर, तो यही हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम प्रोसेस चलेगा, बिल्कुल वही है, एक्स के प्लेस पे पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे, तो डू योर सेल्फ, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, साइन के प्लेस पे कॉस आ जाएगा, कॉस के प्लेस पे साइन आ जाएगा, कुछ भी नया नहीं है, योर सेल्फ, सीधा वो उसी तरीके से ही चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ माइनस फाइव से प्लस फाइव है, देखिए तो ये अपनी नंबर लाइन है, देखो ये जीरो है मान लीजिए, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ऑन, इधर प्लस का आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चलता ही रहेगा दोनों साइड। अब आप देखिए माइनस एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पर इसमें माइनस टू रखने से ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो माइनस टू एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स प्लस टू की वैल्यू नेगेटिव है, और माइनस टू से फाइव तक, माइनस टू के बाद फाइव तक सारे पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसमें वैसे भी एक रूल होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए बी के बीच में कोई भी नंबर, एक नंबर होता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए टू सी एफ एक्स और प्लस डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये नंबर ए और बी के बीच में होना चाहिए। तो इसी तरीके देखिए माइनस फाइव और प्लस फाइव के बीच में माइनस टू एक ऐसा नंबर है जो एक्स प्लस टू का साइन चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे, देखो तो माइनस फाइव से माइनस टू और माइनस टू से फाइव हो गया, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा अपना। अब इंटीग्रल कर रहे हैं हम इसका, एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस टू एक्स माइनस फाइव से माइनस टू,
इसी तरीके से अब इसका आएगा एक्स, फिर आएगा तो इसका भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स, लिमिट है माइनस टू से फाइव। तो अब इसका देखिए हम वैल्यू रखेंगे इसमें, हम अब हम इसमें वैल्यू रखते चले जाएंगे। पहले माइनस टू रखेंगे हम, देखिए तो माइनस टू यहाँ रख रहे हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रख रहे हैं तो माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू इंटू माइनस टू, ये आ गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट माइनस फाइव रखेंगे, माइनस का स्क्वायर रखेंगे तो जाएगा प्लस के ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू और माइनस के टेन, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड देखिए कि आप फाइव रखेंगे तो ट्वेंटी फाइव अपॉन टू प्लस टेन, ये आ गया। माइनस टू रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू रखने पे आ रहा है फोर अपॉन टू माइनस फोर। देखिए तो ये अपने बन गए, तो हम सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस देखो कितना आ रहा है, फोर अपॉन टू माइनस फोर यहाँ आ जाएगा, टू है तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी यहाँ आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टू, तो जो ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर्टी फाइव अपॉन टू माइनस इसका कितना आएगा एट, यहाँ आ जाएगा टू एलसीएम आया तो माइनस फोर अपॉन टू ये आया। देखो टू टू जा फोर, तो हमारा पहला आंसर आ गया। देखिए माइनस माइनस टू और ये आया माइनस के फाइव बाई टू प्लस दूसरा ब्रैकेट आया ट्वेंटी फाइव बाई टू प्लस टू। देखिए तो पहला वाला बन जाएगा, देखो टू टू या फोर माइनस के नाइन बाई टू, इससे हो जाएगा प्लस के नाइन बाई टू प्लस इसका हो जाएगा फोर्टी नाइन बाई टू, टू टू एलसीएम आ जाएंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टी एट, टू से 58 को डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा। देखिए तो यही हमारा आंसर आ गया 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, फिर वही क्वेश्चन है एक्स माइनस फाइव। देखो तो यहाँ देखिए 2 और 8 के बीच में 5 एक ऐसा नंबर है, इससे पहले वाली वैल्यू पे एक्स माइनस फाइव नेगेटिव है और 5 से 8 में 8 की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पॉइंट है, यहाँ साइन चेंज हो रहा है, तो देखिए इसलिए टू एट के बीच में फाइव है तो टू से फाइव लिखा तो एक्स फाइव माइनस फाइव नेगेटिव होगा, अगर फाइव से एट लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन चेंज वाला पॉइंट ले लिया। अब हम इसमें देखो इंटीग्रल करेंगे, माइनस अंदर भी दिया हमने तो क्या बनेगा, फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट टू से फाइव प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस फाइव एक्स लिमिट फाइव से एट आ गई। अब बस लिमिट रख देंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो हो जाएगा फाइव का फाइव रखेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जो यहाँ हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन टू, माइनस टू रखेंगे तो 10 माइनस ये टू रखेंगे तो आएगा 10 और 4 अपॉन टू तो 2 बचेगा यहाँ,
ये पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरे में आओ अब एट रखेंगे तो 64, 88 या 64 अपॉन 2 और 85 या 40, पहला ब्रैकेट आ गया। अब यहाँ 5 रखेंगे माइनस में तो आएगा 25 अपॉन 2 और माइनस के 25 अपॉन 1। सॉल्व कीजिए तो आएगा 50 माइनस 25, 25 अपॉन 2 बचेगा यहाँ, यहाँ माइनस 8 अपॉन 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए पहला ब्रैकेट है तो 64 माइनस 80 तो माइनस के 16 अपॉन 2 मतलब 8 बचा, और यहाँ पे बचेगा माइनस देखो माइनस के 25 अपॉन 2 तो 82 या 16 हो जाएंगे। इसका एलसीएम लेके तो 25 माइनस 16 9 अपॉन 2 बचा, प्लस यहाँ पे भी देखिए 2 एलसीएम आएगा तो माइनस 16 और प्लस के 25 तो 9 अपॉन 2 यहाँ भी बचा और 9 अपॉन 2 यहाँ भी बचा तो 18 अपॉन 2 2 से काटा हमने तो 9, तो इसकी वैल्यू जो आंसर आया है वो आ गया है 9। देखिए इसकी जो वैल्यू आई है वो कितना आ गया है 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर देखो सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन नंबर सिक्स को ये क्या लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। तो यहाँ पे देखिए अगर वैसे करेंगे तो टी रखना पड़ेगा वन माइनस एक्स को, अब रूल लगा देंगे हम, ये वाला रूल लग जाएगा एक्स के प्लेस पर ए माइनस एक्स, देखिए जीरो टू वन यहाँ वन माइनस एक्स आ जाएगा, वन माइनस एक्स ब्रैकेट में आएगा वन एक्स के प्लेस पर वन माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स रखिए, तो जीरो टू वन वन माइनस एक्स यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे वन माइनस वन प्लस एक्स पावर एन, तो एक्स की पावर एन बचा है, एक्स की पावर एन का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स पावर एन का किया वन में तो एक्स की पावर एन, और ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन। अब हम इंटीग्रल करेंगे, एक्स की पावर एन का हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस इसका हो जाएगा एन एक्स की पावर एन प्लस टू, एन प्लस वन का हो जाएगा एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू और लिमिट आ जाएगी जीरो टू वन। पहले वन रखेंगे तो एक्स की पावर वन कुछ भी होगा, वन की पावर कुछ भी तो वन ही आ जाएगा, तो न्यूमरेटर इसका वन आ जाएगा और डिनोमेटर में एक्स है ही नहीं, यहाँ पे भी एक्स की पावर की प्लेस पे वन आएगा तो यही रहेगा एन प्लस टू रहेगा। जब हम जीरो रखेंगे तो जीरो का जीरो ही आ जाएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। देखिए